हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि क्या अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपके लिए आ रहा है जो आपको नहीं पता है, बहुत जल्दी आपको मिलेगी, ठीक है। और अर्जेंट मैसेज क्या है भगवान की तरफ से आपके लिए, यही सब हम देखेंगे। तो आज आपको कोई बर्थ डिटेल्स या फिर इनिशियल नहीं है, आज जो सिंपल कार्ड है, पहला कार्ड हमारे पास है विक्ट्री का, ठीक है। ये देख लीजिए, विक्ट्री नंबर है इसका 15। और दूसरा हमारे पास कार्ड है अनकंडीशनल लव, इसका नंबर है 1। आपको इन दोनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रही है, अपना इंट्यूशन का आप थोड़ा सा यूज करें और चूज करें, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, हाय पाइल नंबर 1। सो विक्ट्री अगर आपने चूज किया है नंबर 15, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं, मैं इसको यहाँ रखती हूँ, ओके इस तरीके से। और बच्चे ना बाहर खेल रहे हैं, सो अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर विक्ट्री आपको दिख रही है, लेट्स सी कार्ड से देखेंगे क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। ओके यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्स, ओके एरीस लियो सजिटेरियस। मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है कि एक महीने के अंदर आई थिंक आप बहुत कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कहीं ट्रैवल कर सकते हैं जो आपका प्लानिंग भी नहीं होगा। और ये कोई लॉन्ग टर्म का हमारा जो है ट्रैवलिंग नहीं होगा, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो कोई अपने करियर की वजह से, बिजनेस की वजह से, या फिर अपने प्यार को मिलने के वजह से आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, सिर्फ एक दो हफ्ते के लिए, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं। दूसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप अपने करियर में जो है करियर के वजह से ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो है, सो मे बी आप, हो सकती है आप इस तरीके की एनर्जी में आ जाओगे बहुत जल्दी, जहाँ पर आप सब कुछ भूलकर अपने काम पर ध्यान दोगे, अपना पैसा, अपना काम। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में जो है कदर होती है पैसों की, कदर होती है इंसान की, जो भी पोजिशन में है उसकी, ओके सो आप उस एनर्जी में आ जाओगे कि आपके दिमाग में एक धुन सवार रहेगा, मैं अपने लिए काम करूंगी, अपने फैमिली के लिए काम करूंगी, लाइक मुझे इनकम चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे अपना करियर चाहिए, ठीक है। आप उस एनर्जी में आओगे और उसके वजह से आप बहुत सारी जगह को जा सकते हो, बहुत सारे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बना सकते हो। दूसरा मुझे यहाँ पर मनी गेन भी दिख रहा है, तो बहुत जल्दी आप जो है कोई मनी गेन या फिर कोई एक यू नो प्रमोशन वगैरह आपको मिल सकता है, जहाँ पर सैलरी जो है वो बढ़ जाएगा, या फिर कहीं से आपका पैसा आना है वहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं मनीटरी मटेरियलिस्टिक गेन आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ही फोकस करने वाले हो, ठीक है। ओके टेन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 12 दिनों के अंदर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी, और ये ना आप थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको धोखा भी मिल सकता है किसी अपने की तरफ से या फिर कोई पराए की तरफ से, जिसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया है वो आपको धोखा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। सो आपको थोड़ा सा संभल कर देखने की ज़रूरत है। आपको कोई देखो कोई तकलीफ मुझे आपको मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि जीवन में हमें हमेशा तो सब अच्छा अच्छा नहीं मिलता, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी डेफिनेटली हमारे लाइफ में होती है, तो सब कुछ अच्छा 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 नहीं होता है। सो आप थोड़ा सा देख के रहना, किसी की तरफ से धोखा मिल सकता है। और मुझे यहाँ पर कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है, ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि लाइफ में कोई चीज़ बार बार आपको परेशानी दे रही थी, तो वो चीज़ आपके जीवन से ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। बस इस बार वो ऐसा ख़त्म होगा कि आपको स्ट्रांग बनाकर ख़त्म होगा। बार बार जो बार 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 जिस चीज़ के वजह से तकलीफ मिलती है, एक दिन हम जाकर उस चीज़ों के वजह से फिर से तकलीफ महसूस करना बंद कर देते हैं, तो अभी कुछ दिनों में आपके साथ वही होगा। आपको बिल्कुल
कुछ फील नहीं होगा, आपको ऐसा फील होगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है इस चीज़ से। मुझे आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हुए दिख रहे हो, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कोई रिश्ता आपको तंग कर रहा था, कोई इंसान आपको तंग कर रहा था, वो इंसान पूरी तरीके से आपकी लाइफ से, आप खुद ही इसे बाहर निकाल दोगे कि बहुत हो गया, अब मुझे परेशान नहीं होना है। ठीक है, बॉटम डेक में यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर नंबर 10 है और यहाँ पर नंबर 1 है, तो आप समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपके जीवन में कुछ चीज़ें एंड होने की कगार पर हैं, और वो जो भी होगा, चाहे वो धोखे के साथ हो, जिसके साथ हो, जिस भी तरीके से एंड हो, ये आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाएगी, जो अपने लिए सोचेगा, अपने लिए स्टैंड लेगा, अपने लिए सोचेगा। क्योंकि आप शायद बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के खुद के लिए नहीं सोचते थे, अभी जो चीज़ें एंड होगा, आपको हर चीज़ की एक प्रैक्टिकल साइड समझ आएगी कि सब इमोशनली नहीं चलता है, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है लाइफ में। ठीक है ना। चलो दूसरा आपके लिए क्या है, बच्चे बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हैं बाहर। ठीक है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लाइफ में। मिरेकल, वाओ, आपके जीवन में कुछ मिरेकल घटित हो सकता है। मिरेकल खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड है, इसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर मिरेकल ये है कि जो भी तकलीफ आपको मिलेगी, ठीक है, कुछ दिनों में, उस तकलीफ से जब आप एक बार सरेंडर करना स्टार्ट करोगे, तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। ओके, देखो, मिरेकल तभी होता है जब हम भरोसा दिखाते हैं भगवान के ऊपर कि आप ही सब कुछ करना, ठीक है, और वही चीज होगा। जैसे ही आपकी लाइफ में आप सोचोगे कि ये एंड हो गया, अभी मैं भगवान के ऊपर सरेंडर करती हूँ, वैसे ही मिरेकल आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो मुझे डिवाइन हेल्पर्स आपकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होते ही अनएक्सपेक्टेड, और हम रीडिंग भी कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, तो देखो आ गया। ये एक कहीं ना कहीं आपके लिए अर्जेंट मैसेज भी है कि आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ को आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। क्वेस्ट, ओके, सॉरी। हो सकता है आपको ना कुछ बातों को लेकर अकेलापन महसूस हो सकता है, कुछ बातों को लेकर परेशानी महसूस हो सकती है, कुछ कुछ बातों को लेकर आप धक्का लग सकता है आपको। देखो, जिंदगी में धक्का लगना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं लगता है तो हम बहुत सारे लोगों की असल चेहरा नहीं समझ पाते, उनके दिमाग में क्या चलता है नहीं समझ पाते। कभी कभी हम वो सरेंडर जोन में भी हमें जाना चाहिए भगवान के पास, ठीक है ना। तो देखो, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपको दुख मिल रहा है नेक्स्ट कुछ दिनों में, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस मिरेकल भी हो रहा है, तो आप वो नेगेटिविटी से टूटिएगा मत। यहां पर सोलमेट है, मे बी आप अपने सोलमेट से मिल जाओ, या फिर सोलमेट से अगर बिछड़ गए हो तो फिर से सोलमेट के साथ मिल जाओ, ठीक है। ये परेशान होने का वक्त नहीं है, ये वक्त है परेशानी से निकलकर खुद स्ट्रांग होने का, ठीक है ना। सो ये जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आएगा, उससे पहले आपको कुछ दुख तकलीफ झेलना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद चीजें और भी अच्छी हो जाएंगी। ओके, प्यूरिफिकेशन। आप अगर पूछोगे कि क्यों मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों मुझे इतनी परेशानी हो रही है, तो इसका आंसर है कि आपका जो एनर्जी है, आपकी जो सोल है, वो प्यूरिफाई हो रहा है, ठीक है। जैसे आप खुद ही समझो, हम घर में घर से नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए दरवाजा वगैरह खोल देते हैं, ताकि जो भी है नेगेटिव एनर्जी वो बाहर निकल जाए, सूरज की रोशनी आए, अंदर आए, तो चीजें नेगेटिविटी को खत्म करे। बट एक बार आप अगर अंधेरे में रहते हो, फिर जब आप सडनली सूरज की रोशनी पर आंख डालते हो, आपकी आंख में दर्द होता है, लेकिन उसके बाद आपको दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है। तो वही है, इस
अब भी अगर आप कुछ दिनों में दर्द फेस करोगे या फिर अभी कर रहे हो, क्योंकि क्योंकि भगवान आपकी लाइफ को प्योरीफाई कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं जो आपको परेशान कर रही है। क्योंकि जब सब कुछ भगवान कर लेंगे उसके बाद आपकी लाइफ में मिरेकल करेंगे। यहाँ पर अबंडेंस है, आपकी लाइफ में अबंडेंस को वो मैनिफेस्ट करेंगे। आई थिंक आप मैनिफेस्ट भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अबंडेंस भी मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो भगवान आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि कितने अबंडेंस के लिए आप कितना इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बहुत ऐसी चीज़ें जो हैं क्लिंज हो रही है, आपको जो चाहिए नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान मेरी ज़रूरत है, ये चीज़ मेरी ज़रूरत है, ये पोजीशन ज़रूरत है, इतना पैसा ज़रूरत है। एक्चुअली में वो सिर्फ हमारी एक भ्रम होता है कि हमें ये ज़रूरत है, असल में होता बहुत कुछ चीज़ें हमें नहीं, ठीक है ना। सो वही बात है, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। तो आपके लिए चलो देखते हैं कि अर्जेंट मैसेज क्या है। ओके, नथिंग इज येट, सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, वाओ। सो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो हो रहा है वो फिक्स है, नो फिक्स नहीं है। आपकी लाइफ में चेंजेस होती रहती है, चेंजेस बहुत जल्दी आएगी, बट आपको कोई अभी कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। आपके लिए ये है कि आप अभी कुछ डिसीशन मत लो, कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखो, ठीक है। कुछ चीज़ों को टाल देना ही अच्छा होता है, ठीक है ना। यस, तो आई थिंक ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले रीडिंग पे, एंड यस बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज किया है अनकंडीशनल लव डिवाइन मदर नंबर 1, तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है, देख लो आप अच्छे से। चलो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स वगैरह आने वाला है बहुत जल्दी, और अर्जेंट मैसेज भगवान की तरफ से आपके लिए क्या है। पहला कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस की एनर्जी है यहाँ पर। देखो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी अरसे से, आई थिंक 4 साल, 4 महीने, 4 दिन, कुछ 4 हफ्ते, आई थिंक आप काफी अरसे से कोई इंसान का या फिर कोई ऐसी चीज का वेट कर रहे हैं जिससे आपके इमोशन जुड़ा हुआ है। वो चाहे कोई इंसान हो, वो चाहे कोई जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके इमोशन जुड़ी हुई है, आप कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो। आपका कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हायर है, ठीक है ना। जैसे कि आप ऑलरेडी कोई अच्छी जॉब में हो, बट आप उससे भी ज़्यादा चाहते हो, बिजनेस हो गया, पैसा हो गया, आप अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा हाई करके आपने रखा है। तो आपके लिए सजेशन है कि आपने जिस तरीके से अपने एक्सपेक्टेशन को हाई करके रखा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान रह रहे हो। थोड़ा सा अपने, देखो हम हमेशा बोलते हैं कि अपनी जो भी है ख्वाहिशों को बहुत ऊंची करो ताकि हम पा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ख्वाहिशें बहुत अगर हम ऊंची करेंगे वो नहीं पाएंगे तो खुद का दिल ही दुखेगा, या फिर कोई इंसान आप चाहते हो नहीं मिल रहा है तो खुद का दिल ही दुखेगा। तो आप थोड़ा सा ना, जो भी है आपकी लाइफ में, जो जॉब है, जो इंसान है, कोई भी है, तो उसी के साथ लाइफ एंजॉय करना इस वक्त आप स्टार्ट करो। जब खुद खुश होना स्टार्ट करो क्योंकि तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट होगा। कब पता, क्या पता कि सरस्वती माँ कब बैठे होंगे आपके मुंह पर, जैसे बोलते हैं कि पता नहीं कब जुबान पर सरस्वती माँ बैठे हैं। तो आप इतना उदास मत रहा करो, ठीक है ना। फिर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, अगेन वो सैड सैड एनर्जी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको किसी इंसान की तरफ से धोखा वगैरह मिला है, या फिर आपने जो एक्सपेक्ट किया था चीज़ें उस तरीके से नहीं है, या फिर आप कहीं कंपटीशन में हार गए, आप आपके खुद से खुद ही आपने कुछ चीज़ों को खराब कर दिया है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ ब्लेम जो है खुद के ऊपर ले रहे हो। ठीक है, हम देख रहे हैं कि आपकी जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ दिख रहा है जैसे सबसे पहले आपको ज़रूरत है ये खुद को बोलने की कि तुमने कुछ गलती नहीं की, तुम में कुछ खराबी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। जो गया जो नहीं मिला वो चीज़ मेरे नसीब में नहीं था। ठीक है, आप डिप्रेस्ड होने से ज़्यादा आप ये सोचो कि अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो, तो वो आपके नसीब में नहीं है। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी। विद द 7 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बहुत जल्दी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको चार पांच जॉब के ऑफर्स मिल सकते हैं, या फिर जैसे कि हो गया पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, पार्टनर की तरफ से मिक्स्ड फीलिंग्स आपको देखने को मिल सकता है, मिक्स्ड मैसेजेस देखने को मिल सकता है, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऑप्शंस जीवन में मिलते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से सतर्क करूंगी, आपके लाइफ में जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें से बहुत अच्छे ऑप्शंस रहेंगी, कुछ बुरे रहेंगी, आपको देख कर परख कर जिंदगी में उस ऑप्शंस को एक्सेप्ट करनी है। सॉरी। ओके, सो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप इस वक्त बहुत एक परेशान भरा सॉल दिख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वाओ, एस ऑफ वॉन्स। वाओ, आपके लाइफ में ना यहाँ पर है एरीस लियो सजिटेरियस। सो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में ये खत्म हुआ वो खत्म हुआ, अब क्या होगा अब क्या नहीं होगा, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपके लाइफ में ये सब खत्म हुआ है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होनी है। ठीक है, डिवाइन पावर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहती है आपकी जीवन में, और आप यहाँ पर परेशान होकर बैठे हो कि क्यों खत्म हुआ, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में खत्म होना ही था। मुझे आपकी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ चीजें स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, कोई पर्सन के साथ, कोई न्यू जॉब पे एक नया रास्ता आपको मिल सकता है। एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है। वाह, क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पर। डियर, मैं आपको बोलूंगी जमना एक्वेरियस लिब्रा, आप बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी से निकल जाओगे जहां पर आप दुखी थे, इमोशनल थे, आप खुद ही निकल जाओगे। आप इतना परेशान रहोगे कि आप खुद ही निकल जाओगे, और आप एक ऐसी एनर्जी में आओगे जहां पर आप अपनी लाइफ की कंट्रोल लोगे। ठीक है, लोगों की आपकी बातें सुननी पड़ेगी, आप इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के निकलोगे, खुद के लाइफ के ऊपर कंट्रोल लोगे, एक पावरफुल पर्सनैलिटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपको एक लेसन किसी ना किसी रीजन के वजह से मिल रहा है, जिससे क्या होगा कि आप परेशान, इमोशनल होके परेशान होने से ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, क्योंकि हम इमोशनल होते हैं, हमें प्रैक्टिकल बनाने के लिए भी बहुत सारे लेसन दिया जा रहा है। तो आप जैसे ही प्रैक्टिकल होगे लाइफ में ये लेसन को लेकर, आप कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, और उसके बाद लोग जो हैं बिल्कुल आपकी बातों में आएंगे, अच्छी बातों में आएंगे। ठीक है ना। बॉटम में है यहाँ पर हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप पैसे को लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, जैसा दिख रहा है कि आप अपने मनी को ये वगैरह को लेकर कुछ बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो, या फिर सोच में भी पड़ सकते हो पैसे को लेकर कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए तो प्रॉफिट वगैरह निकलेगा। ठीक है ना, तो मुझे यही दिख रहा है। यहाँ पर है रिलीज। देखो, मैंने बोला था आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से भर गए हो कि आपको ज़रूरत है रिलीज करने की। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में हाल फिलहाल एंड हो रहा है, हो गया है, छोड़ो बस उसे। आप जब तक रिलीज नहीं करोगे तब तक आप ग्रोथ नहीं करोगे। ठीक है ना, तो छोड़ दो उस चीज़ को। ग्रोथ करने के लिए हमें रिलीज करने की ज़रूरत पड़ती है अपने फियर्स को, या फिर नेगेटिव थॉट्स को। ठीक है, आपको डिवाइन पुकार रही है कि तुम्हें ग्रो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, एक पावर पोजिशन पे जाना है, बट आप जो है रिलीज नहीं कर पा रहे हो अपने अंदर की दुख को, तकलीफ को। बहुत जल्दी वो चीज़ आप रिलीज करोगे। ठीक है ना। यहाँ पर एक ग्रोथ, देखो मैंने बोला ही था, ब्यूटीफुल।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन एनर्जी मिलके काम कर रही है आपके लिए। डिवाइन एनर्जी ने आपको इस रीडिंग पे इसीलिए भेजा है क्योंकि वो आपको यही मैसेज देना चाहती है कि मैं तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हूँ। फॉर गॉड सेक, ग्रोथ को अपनाओ, इमोशनल होना बंद करो, ठीक है ना। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं लाइफ में। सिर्फ हमें यूनिवर्स ही सब पुश करके करे, हम कुछ ना करें, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमको भी कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा हाथ डालना ज़रूरी है। तो आप क्यों नहीं हाथ डाल रहे हो चीज़ों के ऊपर? मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ग्रोथ चाहिए तो आप नेगेटिविटी को रिलीज करो। ये नेगेटिविटी आपके दिमाग में कोई इंसान की वजह से हो सकता है, कुछ जॉब की वजह से, बिजनेस, मनी, सब कुछ। अपनी वो कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करो, ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन से निकलो। हम अगर हमारी रजाई से नहीं निकलेंगे तो हम दुनिया को कैसे देखेंगे? वही बात है ना। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स। यहाँ पर है ट्रूथ। ओके, आई लिव माई ट्रूथ। ओके ओके, देखो ये कार्ड आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो आपकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत जल्दी कुछ चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। ओके, तो ट्रूथ है यहाँ पर। ट्रूथ मतलब ये कि आपको दुनिया की सच्चाई बहुत जल्दी दिखने वाली है। दुनिया की जो होता है ना, हम देखते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, क्योंकि हम इतने इमोशनली इतने ब्लाइंड होते हैं कि हम कुछ लोगों की सच्चाई नहीं देख पाते हैं, किस तरफ जाएं नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत जल्दी आपको वो सच्चाई दिखेगी, किस तरफ जाएं, आपको एक रास्ता मिलेगा, ठीक है। और एक बात है, आप अगर कोई सच जानते हो, आपको सच बोलना पसंद है, बट प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप सच जानकर भी चुप रहो, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ओके, हो सकता है आप वो सच्चाई पर अमल ना करो, लेकिन अपने अंदर जो सच्चाई है उसको मारने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना कि हमें ज़रूरत नहीं होती है हमेशा हम जो सच है वो दुनिया के सामने चीख चीख कर बोलें। कभी अगर सुनाई नहीं देता है लोगों को, लोग नहीं सुनते हैं, तो वो अपने अंदर ही रखना ठीक है। बस आपको तो पता है ना, आप सही हो, दैट्स इट। भगवान है आपके साथ, आपके पीछे भगवान है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपका सपोर्ट करेगा, कोई नहीं। इसीलिए शायद आपने यहाँ पर अनकंडीशनल लव चूज़ किया है। आप इतने इमोशनल हो कि आपने अनकंडीशनल लव चूज़ किया है। जो लव करते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो कम प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। और आप ना अनकंडीशनल पर बिलीव करते हो, कोई इंसान छोड़ गया तो इसका मतलब ये कि हम उसे प्यार करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान गलत निकला, हम तो प्यार करते थे। आपकी कुछ इस तरीके की सोच है यहाँ पर, इसीलिए आपने ये पाइल चूज किया है। आप बहुत प्यारे इंसान हो। जिन भी लोगों ने इस पाइल को चूज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इतने प्यारे प्यारे इंसान हो, इतने इमोशनल इंसान हो। लोग आपको आई थिंक बहुत इजीली ठग देते होंगे अपनी बातों से। ओके, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, ये बोल रहे हैं कि आपको देने की ज़रूरत है लेने से ज़्यादा। आप क्या ले रहे हो? आप ये दुनिया की नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ले रहे हो, दुनिया से नेगेटिविटी ले रहे हो। छोड़ दो, नेगेटिविटी को छोड़ दो, ठीक है। और गिव, दे दो ये यूनिवर्स को, अपनी सारी परेशानी दे दो, पॉजिटिविटी लो चारों तरफ से, तरफ में जो लोग हैं उनसे पॉजिटिविटी लो, ठीक है ना। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।